हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को आईक्यू की तरफ से आने वाला आईक्यू 9AC के बारे में इसका छोटा सा एक गेमिंग रिव्यू दूंगा आप लोगों को। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू, कमेंट पे ज़रूर लिखना। और इसका और भी फुल डिटेल पे अगर वीडियो चाहिए फिर भी कॉमेंट पर आप ज़रूर लिखना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी इसका लोडिंग टेस्ट देख लो कितना टाइम लगेगा, और इसको बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लेता है एग्जैक्ट ये लोडिंग पे। कभी कभी 1-2 सेकंड फास्ट स्लो होता है, और ये आता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर के साथ, जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। मैं इसका ग्राफिक वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को, कितना 90 FPS आता है नहीं आता है और मैक्स कितना तक जाता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, और इसका जायरो वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल पे दिखाया है। तो देख सकते हो इसमें 90 FPS डायरेक्ट आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। और बैलेंस HD इसमें एक्सट्रीम चलता है, बस स्मूथ नहीं, 90 FPS का सपोर्ट है। और अल्ट्रा HD तक जाता है, जिसका अल्ट्रा 40 FPS, अल्ट्रा यानी कि 40 FPS, ध्यान रखना। तो देखते हैं अल्ट्रा पे एक TDM खेल के देखते हैं हम कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस अल्ट्रा पे, और ग्राफिक वगैरह भी देखते हैं कैसा दिखता है अल्ट्रा पे। तो गाइस, ये भी इसका रियल टाइम ही है, TDM कितना टाइम पे चालू होता है आप लोग देख लो कितना फास्ट है इसका चिपसेट, बहुत ही फ्लैगशिप चिपसेट है ये। और ग्राफिक तो क्या ही कहूँ, लाजवाब ग्राफिक है इसका। और थोड़ा सा ना मुझे ये, जब मैं ये गेम ये खेल रहा था, थोड़ा सा मुझे लैग सा लग रहा था, क्योंकि मैं तो 60 FPS पे खेलता हूँ मेरा जो भी फ़ोन है दूसरा। तो इसमें मेरे को 40 FPS पे आज ही खेला हूँ, उसमें मेरा अल्ट्रा का सपोर्ट नहीं था, तो इस पर मैं आज अल्ट्रा पे खेल रहा हूँ, अल्ट्रा HD अल्ट्रा पे। तो थोड़ा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग 40 FPS से खेलते हो तो ये बहुत स्मूथ है, देख सकते हो। इसका अल्ट्रा HD पे तो बहुत कम ही बंदे खेलते होंगे जितना भी मुझे पता है, क्योंकि अल्ट्रा HD बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और फ़ोन भी जल्दी हीट होता है। तो जो भी फ़ोन हो थोड़ा सा अगर हीट होगा तो थ्रोटल करेगा इसका परफॉर्मेंस में, लेकिन मुझे इसमें नहीं दिखा। मैंने बहुत 0 to 100 तो नहीं बोलूँगा, मेरा शायद 80% से खेलना शुरू किया था मैंने, तो 5% तक खेला मैंने, तो मुझे कुछ इतना दिक्कत नहीं आया। तो गाइस, अभी 90 FPS भी ट्राई करके देखते हैं कैसा चलता है 90 FPS। तो देख ही सकते हो 90 FPS ठीक ठाक है। कौन है? सहलेंगे थोड़ा सा, देख ही सकते हो ऐसे कुछ चूतिए आ ही जाते हैं टीममेट पे, तो इनको इग्नोर करना है, फोकस करना है अपनी गेम प्ले पे। तो मैं बात कर रहा था कि इसका 90 FPS के बारे में, इसका 90 FPS बहुत लाजवाब है, और जायरो तो बिल्कुल बढ़िया है। मैं बिल्कुल सबसे बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी खासी जायरो है, और इसका जायरो सेंसरी बढ़िया है, स्प्रे ट्रांसफर वगैरह है ना बढ़िया है। अब इस स्क्रिप पे देखो, तीनों को ले लिया है स्प्रे पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो अब तो TDM की बात कर ली, अभी देखते हैं क्लासिक में। क्लासिक में देखो, मेरा भाई ने बताया था कि बहुत ऑफलाइन बंदे उतरते हैं, तो देख ही सकते हो 6-7 ऑफलाइन बंदे थे। तो जो जो वीडियो देख रहा है, किल जिसे चाहिए आ सकता है वो यहाँ पे। और जंप करने के बाद भी देख लो, कोई लैग तो नहीं है और ना कोई फ्रेम ड्रॉप मुझे लग रहा है कि हुआ है बोल के। FPS मीटर तो नहीं है, लेकिन मैं तो भाई 3-4 साल से गेम खेल रहा हूँ, ये 4 साल हो गए। मैं कोई टेक नहीं कि टेक यूट्यूबर की तरह नहीं कि गेम वेम खेलता नहीं हूँ, बस फ़ोन में नंबर देख के बोल दिया कि फ़ोन बहुत बढ़िया है। तो जितने भी टेक यूट्यूबर है ना, जो बोलते हैं कि यार ये फ़ोन बढ़िया है, ये है वो है, तो उनके बातों पर तो आप आ जाते हो। वो लोग को पता है कौन सा गेम क्या चलता है क्या नहीं चलता है, लेकिन वो लोग ऐसे ही ज्ञान फेल देंगे, और तुम लोग सोचोगे अरे भाई उसने बोला होगा तो अच्छा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका बूट कैम्प पे उतार के देखेंगे बूट कैम्प पे, क्योंकि ये एक बहुत ही तगड़ा लोकेशन है। यहाँ पे देखो ये लोबी भी तगड़ी आई हुई है, यूट्यूबर वगैरह आए हुए हैं देख ही सकते हो। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप यूट्यूबर जो भी टेक यूट्यूबर है उनका बारे में देख के आप लोग सोचते होंगे कि यार बढ़िया है, उसने रिव्यू दिया तो फ़ोन बढ़िया होगा। अरे उनको क्या लेना देना गेम से, उनका टाइम ही नहीं है गेम खेलने के। बस जब आप लोग को मतलब मोबाइल आता है ना उन पे, उनको उनके पास, तभी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं,
और बस आधा घंटा खेल के बोल देंगे हाँ बढ़िया है वो है, लेकिन जो बंदा 3-4 घंटा खेलेगा ना तो तगड़ा से तगड़ा फ़ोन भी मतलब भगने लग जाता है, क्योंकि रियल बात है। क्योंकि मैं जो मेरा डिवाइस है वो मेरा वन प्लस का है, तो वो फ़ोन पहले तो ठीक था, लेकिन अभी जैसे मेरा फ़ोन हीट होता है ना चिपकता है, तो जिसके पास भी मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन होगा उसको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देख लो यहाँ पे ये जो फ़ोन है लैंड किया, देखिए कोई लैग नहीं, बंदे भी बहुत है इसमें फिर भी लैग वगैरह नहीं हो रहा है, मैं नहीं मार पा रहा वो अलग बात है, लेकिन फ़ोन तो अपना परफॉर्मेंस ठीक ही दे रहा है। और बाय द वे यहाँ पे मैं 1v4 उतरा था, तो इतना ही है कि अगर आप लोगों को ये फ़ोन लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि इतना कम प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन का 888 दूसरे डिवाइस पे देखने को नहीं मिलेगा, तो उसमें लैग इशू कम होगा। और जो लोग कहते हैं ना कि आईफोन वगैरह लैग नहीं होता, बिल्कुल बकवास है। आईफोन 11 में खेल के देख लो थोड़ा पुराना वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लैग होता है। लेकिन हाँ कि थोड़ा पुराना होने से भी जैसे एंड्रॉयड कुछ ज़्यादा ही हकता है, वो ऐसा नहीं है आईफोन। आईफोन थोड़ा बहुत उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहता है, तो उसका परफॉर्मेंस ठीक ही रहता है, थोड़ा लंबा चलता है। और आईफोन्स का प्राइस भी तो एंड्रॉयड से बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम उस कंपेयर पे नहीं जाएंगे। और अगर आपने ये फ़ोन लेना है तो आप आसानी से ले सकते हो, क्योंकि इतना तगड़ा चिपसेट आप वो दूसरा फ़ोन नहीं प्रोवाइड करता, और ख़ासकर इस प्राइस रेंज पे। और इसका एक अलग फीचर भी है जो कि आपका अगर फ्रेम गिरता है ना कहीं पे भी, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो हार्डकोर गेमर हैं, जब ज़्यादा बंदे होते हैं या फिर फ़ोन ज़्यादा हीट होता है तो थोड़ा लैग होता ही है, फ्रेम ड्रॉप होता ही है। तो इसको इसका क्या है, वो अलग से इन लोगों ने एक चिप लगाया है उसमें, तो फ्रेम इन्हेंस करेगा ये इसका। अगर आपका फ्रेम मान लो कहीं पे 40 आ रहा है तो उस पर ये एटलीस्ट 40 तो नहीं 50 देगा, 60 नहीं देने से भी 50 दे देगा, 50-55। तो आपको स्मूथनेस तो आपको पता चल ही जाएगा गेम खेलने से, और मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा तो काम करता है वो, लेकिन देखते हैं क्या पता आगे अपडेट के बाद ये थोड़ा बिगड़ जाए, ये वो हो जाए, वो तो मैं आगे वाला बात मैं अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये गेम परफॉर्मेंस में बिल्कुल बीस्ट है, आप आसानी से जा सकते हो इस फ़ोन पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेम बिल्कुल हाई सेटिंग्स पे अभी तक जो BGMI या PUBG इतना प्रोवाइड कर रहा है ग्राफिक्स, सब खेल पाओगे आप हायर सेटिंग पे विदाउट लैग विदाउट एनी हीटिंग इशू। और एक बात भाई, हीटिंग इशू का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर गेम खेलो और फ़ोन हीट ना हो, कोई फ़ोन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप पंखा लगाओ जो भी लगाओ, आजकल देख लो कितने फ़ोन्स हैं, रेड मैजिक वगैरह वगैरह है ना, उन पे पंखा लगाया होता। आप एक छोटा सा आप छोटा सा एक कॉमन सेंस यूज़ करो, जो पंखा लगाया उसमें तो मोटर है, वो मोटर जब घूमेगा फ़ोन तो हीट होगा ही होगा। तो ये सब जो फालतू की चीज़ें हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करेगा ये वो। आपको इससे अच्छा आप घर पे एक पंखा के सामने बैठ के खेलो, जैसे कि मैं खेलता हूँ, लगभग मैं 2.5-3 घंटा पूरा चार्ज वार्ज लगा के है ना, और ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं ऑन करता हूँ। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल लो पे नहीं, हाई सेटिंग पे करता हूँ, फिर भी मतलब फ़ोन इतना ख़ास हीट नहीं होता, होता है नहीं होता नहीं, अगर मैं पंखा नहीं लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, लेकिन अगर पंखा हवा चलती रहेगी तो इसका जो हीटिंग है ना थोड़ा मतलब रहेगा, लिमिट पे रहता है, इतना ज़्यादा हीट नहीं होता। नहीं तो कभी कभार फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाता है, वो पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ज़्यादातर वैसे अगर पंखा वगैरह पे हो या फिर अगर घर घर पे आपके AC वगैरह है तो इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं देगा, हीटिंग इशू आपको दिखाई देगा ही नहीं, और बिल्कुल दिखाई नहीं देगा ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत हीट तो हर कोई फ़ोन करता है, चाहे आप कौन सा भी फ़ोन ले लो। तो बस इतना ही था गाइस आज के वीडियो पे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, और मेरा ये जो चैनल है सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि चैनल अभी नया है। और देखो भाई एक और बात, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डाल सकता था इस फ़ोन का, और उसमें मेरे को ऑडियंस का रिटेंशन भी अच्छा खासा आ जाता, लेकिन मेरे पास अभी DSLR वगैरह नहीं है, तो मैं कैसे मतलब उसको शूट करूँ है ना। अभी फ़ोन से सब कुछ नहीं होता भाई, ये बात आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि अगर मैं फ़ोन से ही सब कुछ करने लगूँगा तो वो क्वालिटी नहीं होगी ना, मैं वीडियो बनाऊँगा और वीडियो का रेशियो अलग रहेगा, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने इसका अनबॉक्सिंग नहीं डाला।
अगर आपको इसका चाहिए अनबॉक्सिंग वाला वीडियो तो मैं शॉर्ट डाल दूंगा इसका, आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे रखना। पीस आउट।